यहां पर हम देखते हैं कि तीन कर्व आपको मिले और तीनों कर्व लाइन है। तीनों कर्व क्या है? लाइन है। फर्स्ट लाइन y का है, इक्वेशन क्या होती है लाइन की? y equal to mx plus k होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, इंटरसेप्ट एंड स्लोप फॉर्म है ना, परवणता रूप इसको बोलते हैं, ढाल रूप। ढाल रूप में इक्वेशन होती है, ढाल कितना है? -1/2 ढाल होता है। तो कैसे जाएगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? tan थीटा इक्वल टू -1/2 विचार करो, व्हाट इज ढाल क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू -1/2 और tan थीटा इक्वल टू -1/2 तो थीटा कौन से चतुर्थांश का होगा? द्वितीय का। दो ही चतुर्थांश होते हैं, या तो पहला या सेकंड, कोई भी रेखा कोण बनाती है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, किसके साथ? x अक्ष के साथ। अरे कोई रेखा होगी, कोई रेखा हो, ऐसे हो, ऐसे हो, पढ़ के नहीं आए क्या 11th क्लास? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? या तो 90 से कम बनाएगी या 90 से ज्यादा 180 तक बनाएगी, ये दो ही कोण बनते हैं। अगर 90 से कम कोण बनाती है तो ढाल पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होगा, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में tan का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो सीधी सी बात है 90 से ज्यादा कोण बनता है, तो रेखा इस टाइप की होगी कि नहीं? इस टाइप की रेखा होगी तो कोण छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो प्रवणता क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन प्रवणता नेगेटिव है तो कोण क्या है? रेखा थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये इस तरह, इस तरह का बनेगा तभी तो 90 से बड़ा कोण बन पाएगा। तो रेखा कैसे जाएगी ये पता चलता है। अच्छा, किसी बच्चे को पता नहीं चले तो उसके लिए भी उपचार, एक्स बराबर 0 रखो, वाई बराबर 4, दो बिंदु निकाल लो, दो बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन बना, तो देखिए कैसे बनाते। तो दोनों ही तरीके बता रहा हूं, वैसे तो मुझे पता ही चल गया प्रवणता नेगेटिव है तो रेखा ही हो जानी चाहिए, और अगर किसी को नहीं पता चलता है तो बच्चा क्या करे, वो इसके अंदर रेखा एक बिंदुओं, दो बिंदुओं से गुजरेगी, बिंदुओं, एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0, x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आया बच्चा? एक तो इस बिंदु से जाएगी निश्चित रूप से, दूसरा y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा? 8, तो कितने? 8.0। तो ये बिंदु इतने से गुजरती है, ठीक है, इस रेखा की बात होगी। अब इसका क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया पॉइंट 1, 8.0 आ गया। दूसरा पॉइंट 0.4, तो 1, 2, 3, 4 ये आ गया। तो आपकी जो रेखा है बेटा इस तरह से आ गई, इसका नाम है, इसका नाम है y equal to -1/2x, नाम लिख दिया रेखा। दूसरी x बराबर 2 एक रेखा है जो y अक्ष के समांतर है और x बराबर 2 से जा रही है, x बराबर 2 ये रहा, ये 2 है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये कितना है? 4 है। आप इससे रेखा जाएगी 2 से, तो रेखा x y अक्ष के समांतर ये x अक्ष से आती और ये y अक्ष है, y इसको बोले ले x बराबर, ठीक। फिर है x बराबर 4, तो x बराबर 4 यहां से जाएगी रेखा, तो ये जो है x बराबर 2 थी आपकी और ये जो रेखा बनी वो बनी आपकी x बराबर 4। इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ये निकालना है, इसकी बिंदु 2 और इसकी बिंदु 4, कितनी? 4। तो ये क्षेत्र आपको फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया बराबर है, सूत्र बना, dx की पट्टी चला दूंगा, dx मेरा, dx की सूत्र की पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं? dx। कहां से कहां चला दूं? 2 से 4 तक चला, 2 से 4 तक चला दूंगा तो dx की खास बात क्या होगी? एक सिरा किस पे रहता है? जल्दी बोलो, x अक्ष, दूसरा सिरा कर्व पे, कौन से कर्व पे है? इस लाइन पे, इन दोनों पे नहीं है, इस आड़े वाली रेखा पे। देखो 2 से लेकर 4 तक चलाओगे तो किस पर रहेगा एक सिरा? इस लाइन पे, तो समाकलन किसका होना चाहिए? इस पर, क्लियर। तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा 2 से 4 तक लिमिट, क्या चला रहे हो? dx चला रहे हो, किस रेखा पे चला रहे हो? इस रेखा पे चला रहे हो, तो इसमें से y का मान निकाल के
माइनस एक बटा दो एक्स अब इस समाकलन को सॉल्व कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे आएगा माइनस एक बटा दो बाहर निकालेंगे माइनस एक बटा दो बाहर निकाला एक्स का कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटा दो लिमिट लगती दो से चार और फिर प्लस चार तो बाहर कॉन्स्टेंट है चार डी एक्स मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा एक्स एक्स की लिमिट लगती दो से चार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना आंसर निकाल लेना वही तुम्हारा क्या होगा बच्चों क्षेत्रफल होगा ये टेंथ क्वेश्चन है आपका कर लीजिए और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है बताएं नहीं पूछना है तो आगे वाले एक्सरसाइज को चलते हैं देखिए आगे वाली एक्सरसाइज एक्सरसाइज 11.2 पे बात करते हैं देखिएगा दो वक्रों से के मध्य का क्षेत्रफल इसमें अपन कहेंगे हेडिंग डालता हूं दो वक्रों के मध्य का क्षेत्र ये ज्ञात करते हैं ये है केस फर्स्ट लेते हैं केस फर्स्ट क्या होगा दो वक्र है वक्रों y बराबर f y बराबर g x बराबर a तथा x बराबर b से घिरा या घिरा क्षेत्र कैसे ग्राफ बना रहा आपका एक वक्र ये है और एक वक्र ये तो ये जो पॉइंट है ये ए और ये पॉइंट है आपका बी और इसको बोला आपने y इक्वल टू एफ एक्स और इसको बोला आपने y इक्वल टू जी ठीक है अब इन दोनों के बीच का ये क्षेत्रफल आपको निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाले पे dx की तरफ चला ये dx आपको क्षेत्रफल कौन सा काउंट करना है ये बीच का दोनों का ही होगा ये जो मैं डॉटेड बना ये आपको क्षेत्रफल काउंट करना है तो बच्चे ध्यान देंगे कि इन दोनों के बीच का जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपन किसी भी वक्र पे dx की पट्टी चलाते हैं तो एक सिरा उस वक्र पर रहता है और दूसरा सिरा x अक्ष पर रहता है तो देखिए मैं ऊपर वाले y equal to fx पे dx की पट्टी a से लेकर b तक चलाना चाहता हूं तो एक सिरा तो रहेगा y equal to fx पे और दूसरा सिरा रहेगा x जैसे जैसे a से b तक समाकलन बढ़ेगा ये सारा क्षेत्रफल यानी कि इस वक्र से लेके नीचे x अक्ष तक का ये नीचे वाला क्षेत्रफल भी काउंट हो गया यानी कि आपका जो एरिया बना है वो a से b तक आपने लिमिट ली और एफ एक्स जी एक्स ये कर एफ एक्स डी एक्स ये कर दिया आपने तो ये कौन सा क्षेत्रफल आ गया ये सारा का सारा इस वाई इक्वल टू एफ एक्स वक्र से लेके एक्स एक्स तक का लेकिन आपको ज्ञात करना है बीच का ज्ञात करना है तो आप माइनस कर देंगे ए से बी तक डी एक्स की पट्टी ये चला देंगे क्या डी एक्स ए से लेके बी तक किस पे चला देंगे जी एक्स पे चला देंगे नीचे वाला घटा देंगे तो बताओ बीच का बचेगा देखो आपने ऊपर वाले से नीचे x अक्ष तक का निकाला माइनस नीचे वाले वक्र से x तक का कर दिया तो आपका बीच का क्षेत्रफल
बच गया तो दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विधि है ए से बी हो जाएगा gx, नीचे वाला कितना है gx और dx और आपकी हो जाएगी ए से बी को लिमिट आ गई fx मानो ये और ये आपका इस तरह से आप इस क्षेत्र को निकाल सकते हैं। ये स्पष्ट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरह का मिल सकता है देखिए, दूसरा क्वेश्चन सेकंड केस में लेता हूं मैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या होंगे, दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दो वक्र y इक्वल टू fx तथा y इक्वल टू gx एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। इस केस में क्या देखिएगा कि आपका x एक्सिस या आपका y एक्सिस, एक वक्र इस तरह से जा रहा है और दूसरा वक्र इस तरह से, ये बिंदु a है जहां पे दोनों वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु पे x का मान b है जहां पे दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इन दोनों के मध्य का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तब दोनों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, दोनों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है। ये a आ गया, ये b आ गया, अभी भी छोटी बड़ी चीजों को यूज में आ जाएगी। वहां पर सिर्फ इतना फर्क था कि प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा था, इसमें क्या है, दोनों का प्रतिच्छेदन हो रहा था, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया इज इक्वल टू a से b तक dx चलाओ ऊपर वाले को, ऊपर वाले को चलाऊंगा इसका नाम है y इक्वल टू fx और नीचे वाले का नाम है y इक्वल टू gx, ठीक है। तो अपन ऊपर वाले पे a से b तक लिमिट में क्या चला दे, a से b तक dx चला दे, ये dx निकला, ठीक है, ये dx चला दे, तो ये a से b तक चलेगी तो इस वक्र से नीचे x अक्ष तक का पूरा क्षेत्रफल निकाल देगी और नीचे वाले पे चला दे dx को, नीचे वाले पे dx चला दूं मैं dx पे और a से b तक ही चला दूं तो नीचे वाले क्षेत्रफल पे जब अपन चलाएंगे तो नीचे वाला क्षेत्रफल जो आएगा उसको माइनस कर दे तो दोनों के बीच का बच जाना चाहिए कि नहीं बच जाना चाहिए। तो अपन करेंगे fx dx ऊपर वाले वक्र के ऊपर चला के ये क्षेत्रफल x एक्सिस तक का निकाल दिया, माइनस a से b चला दिया इस पर नीचे वाले dx पे और इसका समाकलन करके इस वक्र से नीचे का क्षेत्रफल माइनस कर दिया और ये माइनस करते ही इन दोनों के मध्य का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया। ऊपर वाले से x अक्ष तक के में से नीचे वाले से x अक्ष तक के को घटा दिया, घटाने के बाद बचा गया बीच का क्षेत्रफल बच गया। तो इस विधि से निकाल सकते हैं, इसका भी फाइनली वही आंसर आ जाएगा a to b fx minus dx और आपका क्लियर, ये इस तरह से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस देख लेते हैं, लास्ट केस में केस थर्ड, इसमें है जैसे कि ये आपका है एक, ठीक है, यहां से यहां तक चलता है और यहीं से जुड़ा हुआ कोई दूसरा, ये ए से लेके बी तक जा रहा है दोनों को, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे हो रहा है, तो दो वक्रों का प्रतिच्छेदन एक ही बिंदु पर, ये केस बना
दोनों करो एफ एक्स तथा डी एक्स का प्रतिच्छेदन एक बिंदु। इस पहले वाले को नाम दिया वाई इक्वल टू एक्स का फलन, दूसरा y इक्वल टू जी एक्स। फलन क्या होता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फंक्शन, फलन क्या होता है? नहीं आता है। क्या आता है फलन? क्या आता है ये? क्या है y इक्वल टू एफ एक्स? क्या है बोलो तो कुछ तो फलन है ना। अच्छा ये क्या है y इक्वल टू जी एक्स? क्या है दूसरा तो फलन क्या होता है? कुछ एग्जांपल्स जानते हो किस किस टाइप के फलन होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी फलन, प्रतिलोम फलन, है ना। तो शुरू से क्लास ले लूं आपको अभी, ये सी बीच में पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है अपना सी। तो अपन ये देखेंगे कि इस क्षेत्र को अपने को एक तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए प्लस ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये दोनों क्षेत्रफल काउंट कर रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, dx की पट्टी जिस कर्व पे चलेगी उसके नीचे का x अक्ष तक का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो मैं इस fx पे चला हूं a से c तक, तो देखो dx की वाली आई ये dx है ना, a से लेके c तक चलाऊंगा तो x सीधा इस ऊपर वाले वक्र पे fx पे रहेगा, तो fx से नीचे x अक्ष तक का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आगे dx जाएगी यहां पे, मतलब c से जस्ट आगे किसकी हो जाएगी dx, ऐसे चलती जाएगी ये पट्टी और ये चलती जाएगी तो सिरा किस पे रहेगा y = gx पे रहेगा। तो y = gx से नीचे x अक्ष तक का क्षेत्रफल, तो ये टोटल क्षेत्रफल हमारे पास कैसे आ सकता है बच्चों? ऐसे आ सकता है कि मैं a से c तक किस पर चलाऊं fx पे, ये लो क्षेत्रफल आ गया। कितना आया ये क्षेत्रफल? आधा a से c तक, वक्र से लेके x अक्ष तक का ये क्षेत्रफल आया, क्योंकि एक सिरा तो x अक्ष पे रहेगा एक सिरा वक्र पे, पूरा क्षेत्रफल ये काउंट कर देंगे। प्लस c से चला दू b तक और किस पर चला दू y इक्वल टू जी एक्स, ये ध्यान रखें, तो जी एक्स पर चला दू और ये क्षेत्रफल भी काउंट कर लिया, दोनों का योग हो गया। इस बार योग होने से पूरा टोटल क्षेत्रफल आपके पास आ गया। ये तीन केसेस के अलावा कोई केस नहीं बनने वाला है बेटा आपका, ठीक है, इसको क्लियर करें। अब अपन क्वेश्चंस लेते हैं इसके कुछ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं 11.2 का। इसमें देखिए ये सारी बातें जो आपको बताई गई हैं थ्योरी के अंदर, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया गया है आपको y square equal to 2x, y square equal to 2x है ना, implies that y equal to under root 2x, ठीक, दोनों तरफ root ले लिया, y equal to root 2x, ये वन, plus minus आना चाहिए। आज क्या सर वो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी तो 5-7 मिनट लेट क्लास, 5-7 मिनट लेट हो जाएगी क्लास, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी ना, सुबह स्टार्टिंग हो अभी 10 मिनट लगेगी तो ज्यादा, हां इतनी होगी, 10 ज्यादा है, 10 ही होगी, मैं इसे पूरी तरह कर लूंगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x और y इक्वल टू अंडर रूट 2x, ये आपका पहला वक्र हो गया। दूसरा वक्र क्या है आपका? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8, दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट 2, ये आपका, ठीक है।
तो इसको मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू निकाल दी, एक्स स्क्वायर उधर ले गया आठ के पास और रूट ले लिया। ठीक है, क्यों क्यों निकालता हूँ वाई की वैल्यू, क्योंकि डीएक्स की पट्टी चलाऊंगा तो वाई के मान की जरूरत पड़ेगी, तभी तो वाई के बराबर एक्स का फलन, यहाँ वाई के बराबर एक्स का फलन। ठीक है, प्लस वाला साइन क्यों लेता हूँ, पता है एक्स एक्स से ऊपर है ना, तो इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें लिखा हुआ है इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल निकालिए, तो दोनों वक्र बना। तो बच्चों देखिएगा इसका ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये क्या है वृत्त, त्रिज्या कितनी है आठ, आठ मतलब आठ का मतलब टू रूट टू का होल स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई टू रूट टू आ गई, तो आपका जो ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल हो गया ये बना। ठीक है, अच्छा ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, परवल है कि नहीं, ये परवल है, परवल है, एक्स के ऊपर घात कितनी है एक, किस तरफ खुलेगा एक्स की धनात्मक साइड में, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, होगा कि सॉरी किस तरफ y एक्सिस की तरफ x एक्स मान की तरफ, तो आपका ग्राफ ये, ठीक है ये होगा। अब आपको क्षेत्रफल कौन सा काम करना है, एक ही वाला और एक ही नीचे वाला, क्योंकि दोनों के बीच का क्षेत्रफल देखो इस पैराबोला और इस सर्कल के बीच का, ये क्षेत्रफल आपको काम करना है मध्यवर्ती इन दोनों के बीच का। अब देखिए इसका नाम है, ये जो ऊपर वाला है ये तो है y equal to root 2x लिख दूं इसको, या मैं लिख दूं ये वाला एक ही बात है y square equal to 2x, और सर्कल का क्या नाम है, सर्कल का नाम है साहब x square plus y square equal to 2 root 2 का whole square, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का ये निकालना है या इंटरसेक्शन पॉइंट, क्यों क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए अभी भी बताया था दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को निकालना होता है, क्यों निकालना होता है, जब मैं dx की पट्टी चलाऊंगा तो यहां तक तो रहेगी परवलय पे, सिरा किस पे रहेगा, एक सिरा तो किस पे रहता है x अक्ष पे, dx बिल्कुल लंबवत ऐसे चलेगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, किस पर रहेगा एक सिरा, परवलय पे रहेगा, लेकिन जैसे इस पॉइंट से आगे बढ़ेगी पट्टी सिरा किस पे आ जाएगा, वृत्त पे आ जाएगा, तो यहां से आगे तो समाकलन होना चाहिए वृत्त का, और यहां तक समाकलन जीरो से यहां तक समाकलन किसका होना चाहिए, यहां से आगे तो वृत्त का, यहां से यहां पर परवलय का, अब आगे वृत्त का होगा समाकलन, पीछे परवलय का होगा, तो पॉइंट पता चलेगा तभी तो लिमिट लेंगे कि यहां से यहां तक तो साफ परवलय पे चलाई और यहां से यहां तक किस पे चलाई, वृत्त पे चलाई। बच्चों ये वैल्यू टू रूट टू है कि नहीं बताओ, क्यों, क्योंकि त्रिज्या टू रूट टू का स्क्वायर, तो ये त्रिज्या टू रूट टू। अब इस पॉइंट को अपने को निकालना, इस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने क्या विधि बताई, इंटरसेक्शन पॉइंट, एक वक्र में से इसका वाई स्क्वायर का मान, तो वक्र एक से, वक्र एक से वाई स्क्वायर का मान वक्र दो में रखने पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, यही चीज बताई, एक में से मान निकालो y का दूसरे में रखो, y स्क्वायर का सीधा सीधा मिल रहा है तो y स्क्वायर का लिखो, देखो y स्क्वायर का मान कितना है 2 है, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर से लेके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से लेके क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और वो जो 2x का होल स्क्वायर होने के बाद बराबर में कितना है 8 है, सॉरी 2x आ जाएगा, क्यों y स्क्वायर है तो 2x प्लस आर। अब क्या करें, अब इन दोनों से पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, देखो दो पदों से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, एक तो एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए आपके पास, एक एक्स का पद होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बन जाता है, आसान विधि है सॉल्व करने की, सुनिए कैसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले चेक करो एक है, बताओ एक है, एक नहीं हो तो क्या करना है, कॉमन ले लेना है और एक बना देना, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं, x स्क्वायर में से x ले लीजिए, ठीक है, प्लस का बीच में चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है वो चिन्ह लगा दीजिए, दोनों के बीच में क्या है प्लस प्लस लगा दीजिए। अब x वाले पद की बात करता हूं, x का गुणांक कितना है 2, x के गुणांक का आधा करके लिख दीजिए आप, तो 2 का आधा लिखो कितना आया 1, क्या कर दो होल स्क्वायर माइनस इस दूसरे पद के स्क्वायर को घटा दीजिए, तो 1 के स्क्वायर को घटाओगे तो माइनस 1 इक्वल टू 8,
ये माइनस वन उधर जाएगा तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस होगा। अब एक्स प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस टू दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इंप्लाइज दैट का साइन साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करें, एक्स की वैल्यू अगर प्लस का तीन होगा तो वन उधर जाके बैठे कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक तो मान आया दो, ठीक है, और माइनस वन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो यहां पर अपने को कौन सा लेना है, एक्स इक्वल टू दो भी ले लेंगे प्लस का मान ले लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस में तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, नेगेटिव साइड में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या मान है, काल्पनिक मान, मैंने प्लस माइनस लगाया लेकिन प्लस का चिन्ह क्यों दिया, देखो इंटरसेक्शन था, एक्स की पॉजिटिव साइड में इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या एक्स की नेगेटिव साइड में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब जो नेगेटिव मान था वो क्या था, काल्पनिक। तो यहां से हमें देखकर पता चलता है कि x की धनात्मक साइड में तो x बराबर कितना आएगा, ये इसके बराबर 3 रखोगे तो 1 बनके x बराबर, तो ये पॉइंट कितना आ गया बच्चों, ये 0 ये 2 और ये कितना 2 रूट। अभीष्ट क्षेत्र पर, अभीष्ट क्षेत्र पर बराबर लिमिट लगा लीजिए, लिमिट लगाएंगे कितनी हो जाएगी बताइए, लिमिट लगाएंगे 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 तक, देखिए dx यहां पे होगी, dx ये इधर इस बार में रहेगी, dx 0 से लेकर 2 तक जाएगी, 1 से यहां इस रहेगा परवलय, तो 0 से 2 तक परवलय है, और परवलय में से y का मान निकालो, तो पहले निकाल के रखा था कितना ये क्षेत्रफल कौन सा आ गया, परवलय से नीचे x अक्ष तक का हो गया, प्लस आगे प्लस करते हैं आगे वाले क्षेत्र को, बताइए अब किस पर आ जाएगी dx, आपकी यहां पर dx किस पे आ जाएगी, ये dx जब आगे बढ़ेगी 2 से 2 रूट तक तो किस पर जाएगी, वृत्त, वृत्त में से y का मान लिमिट बताइए कितनी, 2 से लेके 2 रूट तक, और वृत्त में से किसका निकालेंगे मान, y का कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx, ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये प्लस ये दोनों क्षेत्रों की आएगा, लेकिन देखो क्षेत्रफल तो नीचे वाला भी बताना है, तो क्या कर दे इसको डबल कर दे, 2 से गुणा कर दे, ये मान 2 से गुणा करके कैलकुलेट कर लोगे सूत्र वगैरह आते हैं तो उसके बाद वो आएगा या आपका पूरा क्षेत्रफल नीचे वाला हो जाएगा, इसको कर लीजिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट चालू हुई है तो सर लेट ही खत्म हो गई, अभी बची हुई है 8 मिनट बची हुई है, तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी था, इसकी कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा आपको, कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कैलकुलेशन में से कुछ लीजिएगा, वैसे आप आना चाहिए, आप 9 चैप्टर पढ़ा दिया, 10 चैप्टर पढ़ा दिया, इतने पीछे क्वेश्चन करा दिया, तो कम से कम कैलकुलेशन और समाप्त नहीं करना, क्या पूरा कराऊं इसको, रूट टू तो बाहर आ जाएगा, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2/3/2, ये क्या हो जाएगा, रूट ए की वैल्यू 2√2 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, समाकलन एक्स बटा दो अंडर रूट दिस प्लस ए स्क्वायर बटा दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन वो सूत्र लगा के ये हो जाएगा, और कई बार यूज ले लिया इसको, चलिए आगे दिखाते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 4y = 3x², ठीक है, तो वक्र क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए वक्र लिखते हैं, सबसे पहले दिए गए वक्र
देखिए क्या क्या है, y इक्वल टू 4y है, 4 को नीचे भी ले लूंगा या फिर 3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। देखिए एक चर पे घात 2 है, दूसरे चर पे घात 1 है, तो क्या बना परवल है बना, तो ये क्या है कि परवल है, ये a है। दूसरा उत्तर क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 12, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक रेखा, क्या है x और y पे एक घात हो तो क्या होती है, रेखा होती है। क्या करो y का मान यहां से निकालो तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2x प्लस 12/3, 12/2 यानी कि कितना 6। परवलता कितनी है रेखा की, कंपेयर करिए y इक्वल टू mx प्लस c से, तो c की वैल्यू तो 6 हो गई और परवलता कितनी होगी 3/2, है ना, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो रेखा 2 कौन कौन से बिंदुओं से गुजरती है वो बता दो, x बराबर 0 रखो y बराबर 6 आएगा, तो 0.6 से गुजरती है, तथा दूसरा y बराबर 0 रखो तो x बराबर y बराबर 0 रखोगे इधर आएगा ये -6 दूनी -12 और -12 में 3 का भाग लिया तो -4, तो कितना आ जाएगा -4.0 से गुजरती है। देखो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, या तो परवणता देख लो 3/2 है, अब परवणता 3/2 है तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 3/2 हो गया, तो परवणता पॉजिटिव होती है तो कौन सा एंगल बनता है, प्रथम चतुर्थांश का एंगल, है ना, और y अक्ष में काटा गया अंतःखंड कितना है 6। यहां पर हम इसका चित्र बनाते हैं x और ये आपका y 0.6, देखो 1 2 3 4 5 6 एक तो ये पॉइंट है, आ गया दूसरा पॉइंट -4.0, तो 0.6, अच्छा 0.6 x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 ये लीजिए, ठीक है, फिर -4 इधर -4 -1 -2 -3 -4 कितना ले लें, ये आपका कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, तो रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ये लीजिए। अब रेखा गई तो अब परवलय की बारी, परवलय पे y पे घात कितनी है 1 और ये x पे घात कितनी है 2, अक्ष कौन सी बनेगी, y x की तरफ खुलेगा, y x की धनात्मक दिशा है ऋणात्मक दिशा, धनात्मक दिशा तो ऊपर की तरफ ऊपर होगा, तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से जाएगा। अब क्या चाहिए मुझे, देखिए अब मुझे इनके बीच का क्षेत्रफल तो ये बना, इसका नाम है y इक्वल टू 3/4x2, इसका नाम क्या है, रेखा का नाम, रेखा का नाम है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, दोनों के नाम लिख दिए, बीच का क्षेत्रफल चाहिए, दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेदन हो रहा है तो ये दोनों बिंदु चाहिए तभी तो लिमिट ले पाए, लिमिट लेंगे देखिए यहां पर ये जो बिंदु आएगा और यहां पर ये जो बिंदु आएगा इन बिंदुओं के मान पता चल जाए, तो अपन रेखा पे dx चलाएंगे, रेखा से नीचे x अक्ष पर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और माइनस परवलय के ऊपर dx चला देंगे और परवलय का नीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपकी थ्योरी बताई थी, थ्योरी में सेकंड केस क्या बताया था अभी, हाँ सेकंड दो तीन केस दिए थे ना, सेकंड केस क्या था, अरे पढ़ाऊंगा, हाँ बेटा सेकंड केस क्या था, नीचे वाले को घटा देते हैं ना, तो ऊपर वाले के नीचे का क्षेत्रफल पूरा x x तक का निकाल लेते, फिर नीचे वाले का से नीचे x x तक का घटा देते तो बीच का क्षेत्रफल आ जाता है, ये इस थ्योरी का अपन यहाँ उपयोग करेंगे। तो पहले प्रतिच्छेदन बिंदु पता होने चाहिए कि नहीं, होने प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने का तरीका क्या बताया बच्चों को, पहले एक में से y का मान निकालो और दूसरे में रखो, तो देखिए y इक्वल टू ये है ना और ये y इक्वल टू ये, ये दोनों मान बराबर रखे तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो इससे अपन निकाल लेंगे, तो समीकरण समीकरण a ओवर
दो से, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से आप y का मान उठाइए कितना है, 3/4 x2, और ये समीकरण दो या तो यहां पर रख दो, एक ही बात तो है इसी से तो ये लाए, ये यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा यहां पर रख दे तो 3x-2 और y का मान 3/4 x2 हो गया कि नहीं हो गया, और आपका प्लस में क्या हो गया 12 बना दो, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहां से -3x2 और यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12 × 2 = 24, सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3x2 - 6x - 24 = 0, सब में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से भाजित कर दूं, x2 - 2 है और 3 से किया तो ये कितना आ गया -8 है, x2 - 8 है, -2x - 8, इन दोनों से पूर्ण वर्ग बना लिया, तो गलती आंसर आ जाता है, पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो अभी भी डिफाइन किया x2 का x ले लीजिए, x का हाफ कर दीजिए तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर क्या करना है इसका स्क्वायर घटाना है तो -1